ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों में बढ़ रहा डिजिटल आई सिंड्रोम बचाव के लिए अपनाएं ये तरीके। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। छात्र छात्राएं मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप व कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह व्यवस्था संक्रमण काल में घर बैठे पढ़ाई के लिहाज से बेहतर है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी अब सामने आने लगे हैं। अमूमन 2 से 3 घंटे की ऑनलाइन कक्षाओं से छात्रों में डिजिटल आई सिंड्रोम की समस्या होने लगी है। उनकी पतलियों के ऊपर आंसुओं की परत सूख जा रही है। ये समस्या लगातार मोबाइल, लैपटॉप, टेबलेट देखने से होती है। आपको बता दें, LLR हॉस्पिटल में रोजाना 15 से 18 केस डिजिटल आई सिंड्रोम के आ रहे हैं। इनमें आधे से अधिक संख्या स्कूली छात्रों की होती है, जबकि 1/3 संख्या इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य विषय के छात्रों की है। आंखों में जलन, दर्द, पानी आना, धुंधला दिखाई देना, नज़र कमज़ोर होने की समस्या मिल रही है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की नेत्र रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर की माने तो मोबाइल से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कारण, एक तो उसका छोटा आकार है, तो वहीं दूसरा बच्चे पढ़ाई के साथ ही ऑनलाइन गेम खेलने या फिर कार्टून भी देखने लग जाते हैं। स्क्रीन के छोटे आकार की वजह से उनकी आंखों और पुतलियों पर ज़्यादा असर पड़ता है। डॉक्टर्स की माने तो समस्या से बचने के लिए 20/20 का फॉर्मूला अपनाना होगा। 20 मिनट स्क्रीन पर देखने के बाद 20 फीट की दूरी पर कम से कम 20 सेकंड तक देखना चाहिए। इससे आंखों पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है। वहीं GSVM मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष ने बताया कि पढ़ाई करते समय मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट की निश्चित दूरी होनी चाहिए। प्रारंभिक समस्या होने पर डॉक्टर्स को तुरंत दिखाएं।